लेकिन कुछ मैटर्स हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जिनकी प्रॉब्लम नहीं आती है लेकिन जब पार्टनरशिप आप करते हैं तो वहां पर आपको उन मैटर्स को सॉल्व करने के लिए अलग से अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं फॉर एग्जाम्पल सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन है जो भी प्रॉफिट है सारा उसी का है तो आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की वहां पे जो इशू है वो अराइज नहीं होता लेकिन केस ऑफ पार्टनरशिप आपको प्रॉफिट्स जो अर्न किए हैं बिजनेस ने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के और डिफरेंट जो आपने रखे हैं अपने पार्टनरशिप डीड में उन सबको भी आपने फॉलो करना है जैसे आपने सैलरी कौन से पार्टनर को देनी है किसको कितनी देनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रहेगा और बोनस देना है नहीं देना है और भी बहुत सारी चीजें तो केस ऑफ जब हम प्रिपेयर करते हैं अकाउंट्स पार्टनरशिप अकाउंट्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्म प्रॉफिट के लिए आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा और प्रिपेयर आपको करने पड़ेंगे पार्टनर्स के अकाउंट्स अलग से और ये जो चीजें हैं आपको सोल ट्रेड में प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो बिजनेस में पार्टनरशिप बिजनेस में जो ये ट्रांजेक्शन होती हैं उनके रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए तो सबसे पहले जो तीन चीजें यहाँ पर हम देखेंगे जो पार्टनरशिप अकाउंट्स में जरूरी हैं बनाना दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं देन कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर के और अकाउंट सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स की अगर सोल ट्रेड आप कर रहे हैं तो जो भी नेट प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट ने दिखाया वो सारा सोल ट्रेडर का हो जाता है और आप उसे ट्रांसफर कर देते हैं उसके कैपिटल अकाउंट में लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप जो भी सारे पार्टनर्स हैं उन सब का राइट है नेट प्रॉफिट के ऊपर और उसे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है डिस्ट्रीब्यूट करना तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो आप बनाते हैं ये नॉमिनल अकाउंट होता है नेचर में और जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही इसे बनाया जाता है इस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे उन सभी अमाउंट से जो पार्टनर्स को ड्यू है जो पार्टनर्स को देनी है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया पार्टनर की सैलरी हो गई बोनस हो गया कमीशन एक्स्ट्रा जैसी चीजें हो गई और इस अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं फर्म के प्रॉफिट से जो नेट प्रॉफिट है और फर्म को क्या मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स मिलेगा तो वो चीजें यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगी उसके बाद दोनों साइड्स को जब आप बैलेंस करेंगे तो जो भी आपका नेट अमाउंट आएगा वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस होगा और ये प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में उनकी एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और इस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में तो देख लेते हैं एक बार परफॉर्मा क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड में हमने लिखा बाय नेट प्रॉफिट एस पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स डेबिट साइड में हमने लिखा अगर लॉस है तो टू नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंटल टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू पार्टनर्स सैलरी टू पार्टनर्स कमीशन और दोनों साइड को जब बैलेंस करेंगे तो अगर प्रॉफिट है तो वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट और अगर लॉस है तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट जब इस टाइप का आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो आपको जब ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी होती है तो आपको उसमें क्लियरली देखना है कि जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये जो नेट प्रॉफिट है ये कौन से वाला प्रॉफिट दिया हुआ है कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि नेट प्रॉफिट में से आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को चार्ज कर लिया और उसके बाद नेट प्रॉफिट दिया हुआ है या कई बार प्रॉफिट गिवन होगा जिसमें कोई ये चीज लिखी होगी ये चीज मेंशन होगी कि आपने मैनेजर की सैलरी नहीं डिडक्ट की या मैनेजर की कमीशन जो थी वो डिडक्ट नहीं की और उससे पहले का प्रॉफिट है आपका तो उसके अकॉर्डिंग हमें उस प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पे जो प्रॉफिट लिखा जाएगा वो प्रॉफिट हमेशा वो वाला प्रॉफिट लिखा जाएगा जिसमें से सारे जो बिजनेस के जो फॉर्म के एक्सपेंसेस हैं जो पी एंड एल अकाउंट में आते हैं वो डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट यहाँ पर लिखा जाएगा अगर क्वेश्चन में दिया गया है वो प्रॉफिट जिसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल ऑलरेडी डिडक्ट किया गया कर लिया है या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया है तो उस केस में आप उस नेट प्रॉफिट में उस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल को जोड़ोगे या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अगर दे दिया उसको जोड़ोगे और उसके बाद वो वाला प्रॉफिट आप यहाँ पर शो करेंगे और अगेन आप जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल है यहाँ पर आप शो कर सकते हैं या इसमें एक चीज आप और भी कर सकते हैं कि आपने ये चीज देखनी है कि एक चीज को आपने दो बार प्रॉफिट से चार्ज नहीं करना है देन नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल अकाउंट सेपरेट कैपिटल अकाउंट हर एक पार्टनर का प्रिपेयर किया जाता है पार्टनरशिप फॉर्म में आपका कैपिटल अकाउंट पर्सनल नेचर का अकाउंट है और जो भी ट्रांजेक्शन है कंट्रीब्यूट की है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो मिलना है या पार्टनर को आप कोई सैलरी दे रहे हो बोनस दे रहे हो कमीशन दे रहे हो शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस जो है उसका पार्टनर्स की जो ड्रॉइंग है इंटरेस्ट है कोई वो एक्सेट्रा सारी चीजें जो पार्टनर के पर्सनल नेचर से रिलेटेड है वो यहाँ पर आप रिकॉर्ड करेंगे इसके प्रिपेयर करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लेक्सिबल कैपिटल मेथड सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अगर सभी पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि उनकी जो कैपिटल है बिजनेस में वो कांस्टेंट रहेगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा देन जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स हैं उन्हें हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स कहते हैं और ये मैथड जब आप एडोप्ट करते हो तो हमें दो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं पार्टनर्स के लिए एक होता है उनका कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट की है पार्टनर ने उसे रिकॉर्ड किया जाता है और कोई भी ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड नहीं की जाएगी अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो वो भी इसी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है तो जो अकाउंट है कैपिटल अकाउंट इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है है अकाउंट अकाउंट का वो सेम रहता करंट की बात करें तो कैपिटल को छोड़ के बाकी सारी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं पार्टनर से रिलेटेड जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी बोनस कमीशन उसका शेयर प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वगैरह वो सब कुछ आपका करंट अकाउंट में आप शो करते हो सेपरेट करंट अकाउंट बनेगा हर एक पार्टनर के लिए उसकी सभी ट्रांजेक्शन के लिए सिर्फ कैपिटल की ट्रांजेक्शन को छोड़ के और इस अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे उ, उन सभी से जो भी पार्टनर को मिलना है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी बोनस कमीशन शेयर प्रॉफिट का जो पार्टनर को मिलना है और डेबिट करेंगे जो भी पार्टनर से लेना है आपने तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग और उसका इंटरेस्ट और शेयर ऑफ लॉस तो जब बैलेंस करेंगे आप इस अकाउंट को तो इसका जो बैलेंस है वो एवरी ईयर चेंज हो सकता है और परफॉर्मा हम देख लेते हैं इसमें सबसे पहले अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड आप यूज कर रहे हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट टू बैलेंस बी आपने लिखा क्रेडिट साइड पर टू बैलेंस सी अगर एडिशनल कैपिटल कोई इंट्रोड्यूस हुई है इन बिटवीन द ईयर तो बाय कैश अकाउंट एडिशनल कैपिटल आ जाएगी देन अगर आपका करंट अकाउंट बन रहा है तो बाय बैलेंस बी डी देन जो भी पार्टनर को मिलनी है सारी चीजें चार्ज किया जाता है टू ड्रॉइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू शेयर ऑफ लॉस एंड टू बैलेंस सी नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो कैपिटल अकाउंट है हर एक पार्टनर का सिर्फ वो प्रिपेयर किया जाता है और एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जिसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट कहा जाता है और सारी ट्रांजेक्शन जो भी है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट जो पार्टनर ने की है एडिशनल कैपिटल कोई लेके आया है इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस सभी चीजें जो है इसी अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी तो एक तरीके से ये जो दो अकाउंट्स बने थे इन दोनों को कंबाइन करके एक अकाउंट बन जाता है और एज अ रिजल्ट जो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा अकाउंट का वो चेंज होगा एवरी ईयर इसीलिए इसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड कहते हैं तो परफॉर्मा देख लीजिए इसका बाय बैलेंस बी डी टू बैलेंस सी डी और वही चीजें जो ऊपर हमने करंट अकाउंट में लिखी थी वो सारी चीजें यहाँ पर आ गई टू ड्राॅइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और यहाँ पे बाय कैश अकाउंट एडिशनल कैपिटल हो गई क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सैलरी बाय बाय कमीशन पी एंड एल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट तो ये थे आपके मेथड्स कैपिटल अकाउंट बनाने के डिफरेंस क्या है दोनों मेथड्स में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में जब आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो आपके कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड रहते हैं और कैपिटल जो आपका अकाउंट है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा एक्सेप्ट जब आपने एडिशनल कैपिटल आप लेके आए हो और एक करंट अकाउंट बनता है हर एक पार्टनर का आप अलग से मेंटेन करते हो तो दो अकाउंट बनते हैं एक कैपिटल अकाउंट और एक आपका करंट अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं चेंज इन कैपिटल की बात करें तो अंडर कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो सेम रहता है ईयर टू ईयर लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आप अपना रहे हैं तो जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो एवरी ईयर चेंज होगा रिकॉर्डिंग की बात करें तो अंडर फिक्स कैपिटल मेथड जो भी ट्रांजेक्शन है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस एक्सेट्रा ये आप रिकॉर्ड करते हैं करंट अकाउंट में और अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स ये सारी चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ये सारी आप डायरेक्टली रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट करंट मैथड में करंट अकाउंट में ये चीजें रिकॉर्ड होती हैं एंड अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एक ही अकाउंट है कैपिटल अकाउंट तो उसी में ये चीजें रिकॉर्ड होती हैं देन अंडर फिक्स कैपिटल मैथड जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा जबकि जो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मैथड है इसके अंडर जो क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है Then, है आपका ड्रॉइंग अकाउंट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड हर एक जो राइट है, right है वो विद्रॉ कर सकता है cash या goods या both, अपने personal use के लिए लिए से। तो उसके लिए, हर एक जो partner है, उसका सेपरेट ड्रॉइंग अकाउंट बनाया जाएगा और ये अकाउंट आप डेबिट करेंगे विदाउं एंड एट द एंड ऑफ द इस अकाउंट को आप क्लोज करते हैं बाई ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसके लिए जो एंट्री है वो पास होगी दैट इज पार्टनर्स 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 कैपिटल कैपिटल अकाउंट 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 डेबिट टू जो आप के बना रहे हैं वो पर्सनल नेचर का है तो क्रेडिट साइड में जो भी चीजें पार्टनर को मिलनी है वो आ जाती हैं और डेबिट साइड में जो भी पार्टनर से लेनी है वो आ जाती हैं और जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो हम फॉर्म के नजरिए से बनाते हैं तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट है उसमें जो भी चीजें फॉर्म को देनी है जो फॉर्म के एक्सपेंसेस हैं, हैं वो आ जाते हैं आपके डेबिट साइड पे और जो भी चीजें फॉर्म को मिलनी है वो चीजें आ जाते हैं क्रेडिट साइड पे ये चीज यहाँ बताने का ये ऑब्जेक्टिव है क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे जहां पर आपको एडजस्टमेंट करनी होती है तो वहां पर एक टेबल बनता है जिसमें ये जो मैंने आपको रूल बताया सिंपल सा कि हम बिजनेस के नजरिए से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखते हैं फॉर्म के नजरिए से देखना है कि जो भी सारे एक्सपेंसेस हैं और वैसे भी नॉमिनल अकाउंट है तो सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड आते हैं और जो भी फॉर्म को गेन होते हैं वो क्रेडिट साइड आते हैं और जो भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है पर्सनल नेचर का अकाउंट है तो जो भी पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा और जो भी पार्टनर से लिया जाएगा वो डेबिट साइड आएगा और ड्राइंग अकाउंट ड्राइंग अकाउंट भी सेपरेट बनेगा हर एक पार्टनर के लिए नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज कुछ एडजस्टमेंट बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच